रोग अगर किताबों का लगा होगा तो आबाद कर देगा, रोग अगर किताबों का लगेगा तो आबाद कर देगा, और वही रोग अगर इश्क का लग गया तो बर्बाद कर देगा। मैं जनता जनार्दन को जय करके एक टॉपिक का स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारा चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजेदार टॉपिक है। मैं बताना चाहता हूं उनके बारे में जो शुरुआत करते हैं छह स्टूडेंट से, लेकिन आज दुनिया का सबसे एजुकेशनल बड़ा चैनल के बारे में बात करें तो उन्हीं का है। मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान का तो खान है आप, हर स्टूडेंट का जान है आप, ज्ञान का तो खान है आप, हर स्टूडेंट का जान है आप। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं खान सर के बारे में। जी हाँ, खान जीएस रिसर्च सेंटर के बारे में बात करने वाला हूं, जो अभी के समय में यूट्यूब के चैनल में अगर बात करें तो 17.5 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है। वो कितना दिन का समय ड्यूरेशन है? मात्र 3.5 साल का। मैं उन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। मैं सबसे पहले बता दूं कि जो खान सर का जन्म होता है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला में 11 दिसंबर 1993 ईस्वी को होता है, और उनका जो पिताजी का नाम होता है, उनका पिताजी का नाम बशीर खान होता है। बशीर खान तो एक मिलिट्री में होते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, और मिलिट्री में काम करने के वजह से जो खान सर का चाहत होती है, लालसा होती है, वो बचपन में जाग जाती है कि हमें डिफेंस में जाना है। और उनके जो बड़े भाई होते हैं वो भी अभी डिफेंस के एक अधिकारी में पोस्टेड है। पहले जो खान सर की पिताजी थे वो पहले डिफेंस में पेमेंट बहुत कम होने की वजह से उनका जो जीवन है बहुत गरीबी में बीता हुआ है। खान सर का कहना है कि गरीबी को मैं इतना पास से देखा हूं कि लोग अपना बीबी को उतना पास से नहीं देखा होगा, मैं उतना पास से गरीबी को देखा हूं। खान सर कहते हैं कि हमारे पास में एक कॉलेज हुआ करता था, उस कॉलेज में छुट्टी के बाद में जाते थे, और वहां से कुछ जब छूट जाता था बच्चों का तो जो पेज फाड़ फाड़ के फेंकते थे, व्हाइट वाला पेज जिसमें लिखा हुआ नहीं होता था, उस पेज को ला के अपने मम्मी को देते थे, और मेरी मम्मी सुई धागा से सी देने के बाद वो पेज को हमें कॉपी बना के देती थी, और मैं वही कॉपी को स्कूल ले जाके उसमें पढ़ाई करता था। वो बोलते थे कि हम दो भाई होते थे, दो भाई होने के वजह से हमारे घर में एक पेंसिल आता था और एक पेंसिल के दो भागों में डिवाइड करके दिया जाता था, और हमें स्कूल ले जाने के लिए हम एक पेंसिल को दो भाग में से एक भाग से पढ़ाई करते थे। खान सर की जीवनी इतनी गरीबी से, जिंदगी इतनी गरीबी से बीता हुआ है। मैं खान सर के बारे में बता दूं तो खान सर का जो जन्म है एक गांव में होता है, और उनके गांव में होने के वजह से वो सिंपल परिवार में, साधारण परिवार में होने के वजह से जो उनका जीवन है बहुत साधारण तरीका से, जिस तरह हमारी बीत रही है, जिस तरह आपकी बीत रही है, उसी तरह उनका भी जीवन कोई रहीसी में, कोई लग्जरियस जिंदगी उनका भी नहीं बीता हुआ है। फिर वो क्या करते हैं कि AIEEE का एग्जाम लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाते हैं, वो या सफल हो जाते हैं, या सफल होने के बाद वो क्या करते हैं, कम बैक करने के बाद वो NDA का एग्जाम लिखते हैं, और NDA का एग्जाम में वो अच्छे डिवीजन से, अच्छे रैंक से पास हो जाते हैं। पास होने के बाद वहां पे मेडिकल बहुत टफ होता है, और मेडिकल टफ में वो मेडिकल में क्या होते हैं, पूरी तरह से छाट दिया जाते हैं, क्योंकि उनका जो हाथ होता है वो टेढ़ा होता है, और हाथ टेढ़ा होने की वजह से क्या होता है कि उन्हें वहां पे अनफिट कर दिया जाता है, वो NDA में क्या होते हैं, सक्सेस वहां पे सिलेक्शन नहीं लिया जाते हैं। फिर वो सोचते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, और टूटने के बाद क्या करते हैं, वो जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने BCA करा होता है, और BCA करने के बाद वो फिर MCA कंप्लीट करते हैं, और MCA करने के बाद वो पटना आ जाते हैं अपना दोस्तों के साथ, और उनका जो दोस्त है उनका बहुत अहम भूमिका है इनका सक्सेस में, इनकी साझेदारी में, इनका जीवन में उनकी जो दोस्त की है वो अहम भूमिका है। क्योंकि जब इनके पास पैसे घट जाता था तो अपने दोस्त से 100-200 रुपए लेते थे, और उसी से अपना क्या है, किसी तरह जीवन चलाते थे। एक दिन की कहानी है, ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, टूटने के बाद इनको घर जाना चाहते हैं, छोड़ते हैं ये पढ़ाई लिखाई भंड में जाए, इनका जीवन बहुत कठिन होता है, ये घर जाना चाहते हैं पटना से, और पटना के बाद इनका जो किराया होता है वो कितना लगता है, 90 रुपए की किराया होता है, और इनका जेब में मात्र 40 रुपए होता है। उस 40 रुपए से ये घर नहीं जा पाते और गंगा किनारे बैठ जाते हैं, गंगा किनारे बैठते हैं पटना में, फिर ये वहां से सोच सोच के रहते हैं टेंशन में, 2 बजे रात आते हैं, दरवाजा अपना रूम ओनर का ठकठकाते हैं, दरवाजा इन पे भड़क जाते हैं, तमतमा जाते हैं, वो पूछते हैं कितना टाइम हो रहा है देखो, तो खान सर को टेंशन से पता नहीं चलता है, वो बोल रहे हैं कि यही कहीं 10 बज रहा होगा, लेकिन जब घड़ी देखते हैं तो 2 बज रही होती है समय।
फिर वहां से वो शुरू करते हैं, यानी कि 2010-11 में वो ट्यूशन शुरू करते हैं। मात्र उनके पास कितना स्टूडेंट पढ़ते हैं, 6 स्टूडेंट के साथ उनका जो जीवनी होता है शुरू होता है, और वहीं से वो ट्यूशन का जो अपना कैरियर है वो शुरुआत करते हैं। वो जानना, वो समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाना क्या चाहिए, बच्चों को पढ़ाना कैसे चाहिए, बच्चों को चाहिए क्या आखिर में, वो चीज को वो ढूंढते हैं और अभी के समय में दे रहे हैं। उसके बाद वो 6 स्टूडेंट से शुरुआत करते हैं, उनका पढ़ाने का टेक्निक बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और उनके पास फिर बहुत बच्चे हो जाते हैं, 500 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, इस तरह का बच्चे का संख्या उनके पास बढ़ जाता है। बच्चे बढ़ने के बाद उनका जो ऑफिस में कई बार हमला भी होता है, बम से भी हमला, उस पे अटैक होता है, उन पे गोली से भी अटैक होता है, और उनके बाद वो लॉकडाउन के दरमियान आते हैं। लॉकडाउन में वो क्या करते हैं कि अपना YouTube पे कैरियर का शुरुआत करते हैं, क्योंकि संस्थान खुले रखने की ऊपर से अलाउड नहीं थी, सरकार बंद करने की उधर से ऑर्डर दे दिया था। तो इन्होंने 2019 में क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोर्स शुरू करते हैं, और ऑनलाइन कोर्स जब 2019 में शुरू करते हैं तो अभी 2023 तक इनका जो YouTube पर सब्सक्राइबर है वो 17.5 मिलियन है। इनका जीवन बहुत स्ट्रगल रहा हुआ है, यानी कि और अभी इनको बच्चे में, हर बच्चे इनको चाहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहा जाता है कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, बेवफा भी होगी तो काबिल बना के जाएगी। तो साथियों, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा, और चाहे जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे होंगे, आप पूरा लगन से कीजिएगा, आपको सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी, ये मेरी आपसे वादा है।